चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं पॉपकॉर्न मसाला पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम मैंने पॉपकॉर्न लिया है जो मकई के नाम से भी जानते हैं हम, तो आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगी। और मैंने यहाँ 4 चम्मच तेल लिया है, कुकिंग ऑयल जो हम खाते हैं, नमक और मिर्ची और हल्दी पाउडर मैंने लिया हुआ है, मिर्ची का भी पाउडर है। तो इतना में हम डालेंगे, अभी इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच नहीं होगा कम ही है, 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी। अब मैंने कुकर लिया है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में क्या है कि ये जब फूटने लगता है तो जो है बाहर छिटकने लगता है, तो बाहर नहीं आएगा। मैं इसमें डालूंगी नमक और लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और इसको हम जो है आंच को तेज कर देंगे। हमको ऐसे जो है ढक के जो है ऐसे घुमाते रहना धीरे धीरे, और ये बिल्कुल जो है एकदम अच्छे से फूल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा फूल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बाहर आ रहा है। ऐसे करके हम भून लेंगे, खाने में बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल अभी एक कहीं कहीं एकाध है वो घूम रहा है एकदम बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये अच्छे से बिल्कुल भून चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बार और मैं आपको बताती हूँ, देखिए ज्यादा तेल नहीं लेना है, बस हमको 1/2 चम्मच के करीब है। इसमें हम मकई डाल देंगे, इसमें हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची ज़रा थोड़ी ही डालेंगे, आपको पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपको हम थोड़ा तेज कर देंगे, ऐसे हम ढक के सीटी ऊपर से निकाल लेंगे, और ढक के जो है इसको जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे और ये फूटता रहेगा। इतने से क्या होता है कि जो है बाहर नहीं निकल के आता है, नहीं तो ऊपर आता है तो जलने की संभावना रहती है। तो ऐसे हम करके चलाते रहेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा हल्का सा खोल के जो है देखते रहेंगे। देखिए जो इतने अच्छे से सब फूट गया है, मैं निकाल लूंगी। देखिए हमारा मसाला पॉपकॉर्न बनके तैयार है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है, टीवी देखते देखते जो है हम खा सकते हैं।
और अभी तो लॉकडाउन है तो बच्चे बाहर का ज्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि कार्टून तो बच्चे देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, तो इसके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने घर में बना के एंजॉय करिए। अगले वीडियो तक मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूँ, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद।